तो ये थे हमारे टॉप 9 पोके क्विज के विनर्स। अगर आप लोगों को भी टॉप 9 में आना है तो वीडियो को पूरा देखिए और पोके क्विज का सही से आंसर दीजिए। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज पोकेमोन असेंबल और लेकर आया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार सा वीडियो। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, एस जल्द ही पकड़ने वाला है एक कॉर्विनाइट। वैसे तो मुझे पता है कि कॉर्विनाइट एक लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, पर मुझे गूगल से ये मिला जिसमें लिखा है कि कॉर्विनाइट एक लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है पर गैलार का उड़ने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। सो गाइज, एस का कॉर्विनाइट पकड़ने का बहुत सारा क्लूज मुझे मिला है पोकेमोन जर्नीज की तरफ से, और उन क्लूज को मैं आप लोगों को जल्द ही दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, कॉर्विनाइट एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है और जैसा कि हमें पता है कि एस को जल्द ही मिलने वाला है एक मास्टर बॉल। तो गाइज, हो सकता है उसी मास्टर बॉल से एस कॉर्विनाइट को पकड़े, या फिर हो सकता है गाइज कि एस पहले रूडी को पकड़े और फिर रूडी को अच्छी ट्रेनिंग देके उसे कॉर्वी स्क्वायर में इवॉल्व करे और कॉर्वी स्क्वायर फिर कॉर्विनाइट में इवॉल्व हो जाए। सो गाइस, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। सो ये है एक पोस्टर जहाँ पे एस का गेंगर, एस का ड्रैगनाइट, एस का ग्रीनिंजा और एस का चारिजार्ड और यहाँ पर है कॉर्विनाइट। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रीनिंजा और चारिजार्ड रिटर्न का वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये है एक और पोस्टर जहां पर हमें कॉर्विनाइट दिख रहा है ग्रुकी के ऊपर। सो गाइज, कॉर्विनाइट को हमें इतनी बार दिखाने का क्या मतलब होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि पोकेमोन जर्नीज का कोई एक मेन करेक्टर कॉर्विनाइट को जल्द से जल्द पकड़ने वाला है और वो मेन करेक्टर है एस। सो गाइज, आप लोग एक बार सोच के देखिए कि एस अगर कॉर्विनाइट को पकड़ ले तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चुटकियों में जीत सकता है। वाओ! सो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइज, और ये है आज का पोके क्विज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।